बच्चों ने उसको पकड़ लिया फोटो के बहाने वसूलने के लिए कुछ। मुश्किल से मैं डेढ़ घंटा सो जाऊंगा, मैं 4 बजे सोनेगा भी 5:38 समथिंग कुछ हो रहा है। वी आर अबाउट टू लीव। रात की पावर नैप जो लेनी थी सबको, एनर्जी वाली हो गई, मेरी एडिटिंग भी अच्छे से हो गई है। एंड वेल व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू 365 डेज 365 व्लॉग्स। आई होप यू लव इट एंड हैप्पी विद 112। वेलकम टू 365th व्लॉग। वी आर इन मनाली, लाइक अबाउट टू रीच मनाली। इट्स 5:44। क्या व्यू है सुबह सुबह का, सुबह सुबह चिड़ियों की किलकारी एंड ऑल। भाई अच्छा खासा व्यू है। रात में तो पता ही नहीं चल रहा था हम कौन कौन सी रोड से आए जा रहे बस आ गए हैं। भाई एक चीज, अगर मनाली आ रहे हो ना, ऐसे रास्ते में अगर सस्ते होटल देखे, होटल लेना है ऐसे ना, ऐसे होटल्स में मत जाना, सस्ते के चक्कर में फंस जाओगे। बस सब भागने में लगे हुए हैं। 7 बजे निकलना था, 6 बजे के उसके निकलने के हो रखे हम। बोलो साचे दरबार की जय। खट्टाई कैसा, कौन सा फ्लेवर है ये? बड़ा खराब सा माउथ फ्रेशनर है। रश रुश तो कहने की ट्रॉली व्रोल लेके नहीं गए थे तो माउथ फ्रेशनर मारा है। छाले पे बड़ा ट्रिगर हो गया भाई। मम्मा सुनो ना, मम्मा सुनो। अरे मम्मा कोई सुनता ही नहीं ना मेरी, इनकी गर्ल टॉक चालू हो गई। कुल्लू भी नहीं पहुंचना, बिलासपुर पहुंचे और तूने कुल्लू की स्टोरी डाल दी है। तो आराम से वहां जाके डाल दियो। स्कैम कर दिया भाई, कुछ नहीं है बस। अरे वो तो मैंने रिवील नहीं करनी थी, मैं वो मेरे को व्लॉग में करनी थी, मेरा समझ में आता, मैंने तो बोल रखा है। ठीक है, मेरी तो कमिटमेंट है, तेरी की कमिटमेंट है। बोलने का फायदा नहीं, इनको स्कैम तो करना, वो करेंगे पूरा पूरा। चलो अभी थोड़ी देर मैं तो आराम से और सोता हूँ, डेढ़ घंटे की नींद मेरे लिए तो काफी नहीं है, तो मेरे को और चाहिए। अच्छा सतलुज लिवर, लिवर बोल रहा हूँ, रिवर भी चल रही है हमारे बगल बगल में। मैं तो नींद में हूँ ना, इसलिए मैं तो मेरे मतलब वो फंबल कर जा रहा हूँ छाले के चक्कर में। हर चीज अब हम छाले को ब्लेम करेंगे जो भी हमसे गलती हो। रूल नंबर 1, फाइंड थिंग्स टू ब्लेम। अनजान जहाँ है नहीं। 1, 2, 3 स्टार्ट। अनजान जहाँ सर लगा दिया मैंने ऊंची ऊंची हिंदी में। फिर से नीचे से देखो रिवर जा रही है, फोटो खींच लो आप लोग पहले। अभी फोन बाहर गिरता मंशा दीदी, हाथ भी गाड़ी में जाता दूसरी वाली। एक्सक्यूज मी ब्रदर, फोटो आई थी। एक्सक्यूज मी ब्रदर कर तो जाता वो भी फोन। ब्रदर इधर हाथ को लिफ्ट देना, मैं तो गिर गई। ये देखो भाई, ये देखो, ये है व्यू। अरे ये क्या बात थी भाई, मैं यहाँ भैया मेरे को देखो देखो ट्रॉली आ गई, वापसी 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 गिरने लग गए, ट्रॉली गिर जा रही बार बार मेरे ऊपर, और कुछ नहीं हो रहा है। बाहर हवा का टेस्ट कैसा है? बहुत टेस्टी है। फंस गए, निकले 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 निकल तो गए, बट यहाँ कैसे निकलेंगे? यहाँ ट्रॉली जो अपने पेट के ऊपर गिर गई है पूरी पूरी, यहाँ कैसे निकलेंगे? पापा ने ऐसा टर्न मारे मतलब। चालू कर दिया अपना, मैं चालू कर दिया। पता नहीं यार, वंश भी उतर रहा है यार। वंश के ऊपर नाम लगा दो बस। एमी है, रोना दोनों क्यों करते हो आप हर टाइम? क्योंकि इसको वही आता था ना, और कुछ सीखा नहीं स्कूल में। मोटे ए, मैं मोटा नहीं हूँ। मैं लंबा होता से कहीं बादलों के बीच में हम फंसे नहीं है, मतलब मनाली के पुराने रास्ते पे हैं बादलों के बीच में। और बस वेरी वेरी ओल्ड रूट वंस, जब सबसे पहले 1992 में आई थी। अच्छा पहले 2001 फिर 1992 दैट टाइम फ्रॉम द वॉल्वो वी केम थ्रू दिस। उस अभी हमारी गाड़ी से आने में हालत खराब हो गई, उस टाइम पे वॉल्वो से आए होंगे ऐसे रूट से, बताओ। अलग है ये। मम्मा आपकी यार कहानी कसम से कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। चलो तो सही, अभी मनाली की क्या क्या कहानियाँ सुनाऊंगी मैं। अम्मी मनाली में भी तेरे को होता है मम्मा एक पेड़ पे क्या थी वो कहानी, तो बताओ एक बार। मम्मा पेट में दर्द की गिरी, बेहोश हो गई। नहीं बेहोश नहीं, बेहोश बेहोश हो गई। उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए थे। देखो आज हम प्राउडली बोल सकते हैं सब के सब जितने भी इस फ्रेम में, और एक वो थर वो जो चल रही है भूत की तरह, किसी ने ब्रश नहीं किया और बिना ब्रश के खा रहे हैं। तो आज पापा भी नहीं डांट रहे हैं, आज पहली बार पापा नहीं डांट रहे हैं। एज पर गूगल फैक्ट आप क्या बोलते हैं, बिना ब्रश के खाना इज हेल्दी ब्रेकफास्ट करना। वैसे मैंने सुना भी और देखा भी, पहाड़ के डॉग्स बड़े फ्रेंडली होते हैं और कुछ कहते ही नहीं है। आई होप ना कहे कुछ। और ऐसे टाइप का वॉशरूम पहली बार मैं तो यूज कर रहा हूँ। हेरा फेरी पार्ट 1 में वो बाथरूम नहीं था जिसमें सिर्फ दरवाजा था और बाथरूम था, चिटकनी नहीं थी, वो यही बाथरूम था सेम टू सेम। कड़ी है ही नहीं बाबू भैया के बाथरूम में। चलो जी फाइनली वी आर हियर आफ्टर
आफ्टर अ वेरी हेक्टिक जर्नी पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट। अंदर जाके देखते हैं कैसे। मैं तो बहुत मतलब मुश्किल से बाहर निकला हूँ, मन ही नहीं कर रहा था बाहर निकलना। एक जगह पे अड़ा ऐसे बैठ गया इतनी देर तक। आपकी जहाँ यहाँ पे नजर जाए पूरा हमारा है, ये कमरा। हाँ कहाँ, रुक जाओ। तो ये विला ही है एक तरीके से, कॉटेज बोलो, विला बोलो या होटल बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ तो है ये एक तरीके से, लेकिन है होटल में कुछ और दिखा रहा था, अभी कुछ और दिखा रहा। ऐसी होता है भैया यहाँ तो, कैंप 2022 हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अकेले मेरे का कमरा है, स्मॉल रूम टूर, ये बेड है मस्त, फैल जाएंगे इस पे, ये अपना एडिटिंग एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मैंने अभी देखा नहीं, मैं खुद देख रहा हूँ आपके साथ साथ। चटकनी खोली, ओए होए ये बालकनी है, व्यू एक ही बार दिखाएंगे, रुक जाओ व्यू एक ही बार दिखाएंगे। मतलब तीनों रूम की बालकनी कनेक्टेड है, एक ही बालकनी पे जाके खुलती है। ये शीशा है, इसमें अपना हाँ। ये हड्डी वाली मैट है, इससे याद दिलाने के लिए कि हमारे पास ऑलो है जिसको बुलाना चाहिए था। यहाँ अभी हम नहाने जाने वाले हैं, बहुत ही ट्रैवल ज्यादा ही हो गया। अरे मेरे कमरे से सब बाहर निकलो, यहाँ कैसे आ रहे हो, अपना कमरा है ना तुम पे। शट अप, गेट आउट ऑफ माय रूम, गेट आउट। वो देर सामने वाला कमरा तुम्हारा है, चलो चलो एक ही दूसरे नहीं, दो भी नहीं मारने, चलो। एंड सारे कमरे सेम टू सेम है, एकदम डिट्टो सेम, बस एरिया का डिफरेंस है। ये है अपना प्यारा सा व्यू, एकदम सामने पहाड़ों का एंड ऑल, आह मस्त। और ये अपना प्राइवेट गार्डन बोल सकते हो यार। 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है मॉल रोड, देखेंगे वहां जाने का भी। अब हम नहाने जाते हैं भाई, क्विक ट्रांजिशन करते हैं इन 3 2 1। नहा के मुझे रेडी, दवाई भी लगा ली है, मस्त फ्रेश हो गए, एकदम गर्म पानी से अच्छा खासा नहाए। यहाँ का पानी ना अलग सा ही होता है, मतलब एकदम लाइट और मतलब मजा आ जाता है नहाने में। अब एकदम फ्रेश फील हो रहा है भाई मेरे को। अब खाना खाता हूँ, लंच कब का बनाऊं। एक्चुअली ना लास्ट फ्रेम से अभी के बीच में पता नहीं कितनी देर का डिफरेंस है, 11:30 बजे शूट किया था, अभी कुछ 3 बज रहे हैं। मैं 2:30 बजे उठ गया था, सो गया था मैं उस बीच में। चलो भाई मैं और पापा तो निकले जरा अभी काम से, देखने भी खाने पीने का देखने भी जा रहे। खाया तो है अभी मैंने वैसे, बट फीलिंग नहीं था, वो हल्का फुल्का बचा हुआ था, ठंडा हो चुका था खाना। फालतू का सामान बाहर निकालना है। चिड़ गई। एमी ने आज इतनी बड़ी बड़ी वाली बातें करी है ना, मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बड़ी हो चुकी बच्ची, बट है छोटी है अभी भी। ऐसे पकड़ोगी फोन, पकड़ोगी एक बार स्टिक के साथ, तेरा मत्था दिख रहा है अगर कुछ दिख नहीं रहा। ध्यान से जहाँ नजर घुमा वहाँ एप्पल ही है। हाँ चलो ये देखो, ये रहा एप्पल, ये रहा एप्पल का एक और पेड़, ये रहा एप्पल का पेड़, ये रहा तो बड़ा पेड़। अभी गाड़ी से जा रहे थे, एकदम से सडनली चेंज हो गया, अब ट्रैक करके जा रहे हैं, ऊपर सामने है दुकान, बट ये एक स्टीप सी चढ़ाई बस यहाँ पे जो होटल हमारे पीछे कॉटेज के लिए। चलो हम तो मनाली की सड़कों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी का जरा पता करने। पापा तब तक पीछे सामान ले रहे हैं, आगे की तरफ कहीं है और वहाँ रेस्टोरेंट भी है तो वो भी देख लेंगे। स्कूटी से लगी मॉल रोड जाने में आसानी हो जाएगी, प्लस मेरे को मेरा मन भी है थोड़ा स्कूटी चलाने का, पहाड़ों पर क्योंकि अभी चलाई नहीं ना स्कूटी, वैसे तो चलाई ऑब्वियसली सारे पापा तो चलाते ही हैं, पहाड़ों पे नहीं चले, पहाड़ों पे पहली बार चलेंगे। इस समय गलती ये करती हुई मैंने जूते नहीं पहने, नीचे जाते समय दिक्कत नहीं होगी, ऊपर आते समय दिक्कत होगी, बट समहाउ विल मैनेज। दूसरी शॉप पे भी से हिमालयन ही थी, कट गया अपना और भैया भी नहीं थे वहाँ, कॉल वॉल करा तो नहीं होगा, उन्होंने एक और है नीचे शॉप वहाँ चले जाओ। तब ये एक्सप्लोर ही चल रहे मिल गई तो बढ़िया, वरना मॉल रोड में मेरे को पता है एक भैया उनसे ही लेंगे फिर डायरेक्ट, और क्या। भाई पापा का कॉल आ गया, पापा कह रहे भी ऊपर आ जा बाद में देख लेंगे, तब ऊपर ही निकल रहे हैं। पता चल रहा होगा कितनी देखो स्टीप चढ़ाई है, एकदम सीधा चढ़ान करनी पड़ रही है, मौसम एकदम ठंडा और बढ़िया है, लेकिन अपने को तो पसीना जल्दी आ जाता है। 2.5 किलोमीटर ऊपर इंक्लाइन चढ़ के आया हूँ, पैंट बच गई भाई, मजाक से हटके आए। मेरे को काम बोलता करूंगा भी नहीं भाई, 1% भी नहीं करूंगा, उतरा ना और ये अजीब सी है भाई भैया, मतलब कदम से गिरना नहीं भाई, गिरना नहीं, पापे बच गए। कोई तो आ रहेगा ना, एक तो नहीं, फिर शर्त तो रखो कुछ, कोई शर्त नहीं सर। ये क्या बात है, शर्त होनी चाहिए। हाँ मेरे को नहीं आता, ठीक है पापा, कैसे कौन करता है, ठीक है पापा। अब बोलो, रोज जैकेट उतारनी पड़ेगी, फॉर्म में आना पड़ेगा, रुक जाओ। वही एक होते पापा, ये बाप। हाँ नेट बनाना नहीं, नेट बन जा बीच में आके, लो पहुँचा दो। ये लड़ने के टॉपिक दिए जा रहे, गुलाब जामुन रसगुल्ला थोड़ना है, छोटे छोटे गुलाब जामुन का रसगुल्ला बोल रहा। आ गए मॉल रोड सामने, ये रही एग्जैक्टली हमारे, बिट्टी के बाल खिला दो, ये फालतू चीज है ना, पहले ढंग की चीज खाओ। ये डांट पड़ गई, मिशन अकम्प्लिश, आके डांट पड़ गई, लेट्स गो भाई। ये रही मॉल रोड, नॉस्टैल्जिया हो गया इस जगह आके। उधर एक स्टोर था पीछे की तरफ जहाँ एक टाइम पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती, जिसके लिए मेरे को बहुत डांट पड़ी थी छोटे होते। वो एक स्टोर था जो एकदम नया नया खोला, जिसमें वो बैटमैन की लाइट्स, एकदम फंकी आइटम, अब तो ले सकते, अब तो बड़ा हो गया बच्चा, अब तो रूम का डिजाइन ही
कैसे है? स्पॉट ढूंढ रहे, लंच कहाँ करना है समझ नहीं आ रहा। कैफेज तो बहुत सारे हैं लेकिन इनको स्पेसिफिक इस जगह से नहीं खाना। मेरे को याद है पापा, याद है ये मंदिर के उस साइड नीचे जाके हमने जैकेट ली थी मेरे लिए, वो जब वो चाहिए थे रोहतांग के लिए, ऑरेंज कलर की, 150 रुपए की जैकेट, 150 की थी। कितने की थी? उस टाइम पर 150 की थी। इनकी वाली शॉप की बात कर रहा था, वो ये वाली थी। इधर से मैंने बहुत जिद करी थी कुछ लेने की, ऑल दो मिला कुछ भी नहीं था। हाँ जी तो भाई बारिश चालू हो, जब तक ये लोग अपना शेक वेक पी रहे थे। जा भीगा, जा 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 ना, जा 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 जा। हाँ ये देखो देखो, खुशी खुशी जा रही है, ड्रामे कर रहे हैं। ये लोग तो इधर पीछे खा रहे हैं, मैं निकल गया उस ऐसी मार्केट घूमने थोड़ा। जाओ जाओ भैया जाओ, मोमो वोमो देखने और वैसी कुछ अटरम शटरम सा लेने के लिए मिल जाए तो बढ़िया सा। हम वैसे लोकल मार्केट एंटर कर गए हैं, मेरे को ऐसी मतलब हैंगिंग चाहिए थी अपने रूम के लिए, तो वही देख रहा हूँ मिल जाए बढ़िया से तो बढ़िया है। चार ट्रिप्स जो पेंडिंग था टिबेटन फ्लैग्स, आज फाइनली मैंने ले लिया है। मतलब मसूरी गए थे पहले तब भी चाहिए था, उससे पहले सिक्किम गए थे तब भी चाहिए था, अब भी चाहिए था, मतलब चार पाँच ट्रिप से पेंडिंग थी चीज। चलो जी मोमोज भी हो गए हैं और मैं अंदर एक शॉर्टकट से घुस गया, पता नहीं मतलब पीछे वाली गली से मैंने रास्ता ले लिया, पता नहीं गलत जा रहा हूँ कि सही जा रहा हूँ। बस सीन ये हो गया, मेरे को अभी जस्ट रियलाइज हुआ 150 रुपए दिए, 120 के मोमोज थे, 30 रुपए चेंज लेना भूल गया मैं। जादू चुने इसको पकड़ लिया, फोटो के बहाने वसूलने के लिए कुछ मंशा दीदी पैसे के वो ले जाएंगे फंडिंग, अभी अभी फंडिंग मांगेंगे। रख लो इसी को, रख लो एक और इम्पोर्टेंट काम हो गया, केक भी लेना था सेलिब्रेशन का, वो भी ले लिया। अब चलते, ये लोग सॉफ्टी खा रहे हैं, सॉफ्टी खाने का मेरा ही मन है। एक कीचेन भी बनवाया भी मैंने जब हमने स्टार्ट किया था पहला डेली व्लॉग 30 जून 2021 को, एंडिंग 30 जून 2022। चलो हम बात करने के लिए ऐसी वॉक पे निकल गए हैं, तो ऊपर तक थोड़ा एक आधा राउंड वाउंड काट के आते और वॉक वॉक करते हैं। ये जर्नी जो थी थोड़ी इमोशनल टॉक है, ठीक है कोई ना। 365 दिन की जर्नी कर चुके हैं हम। एक साल जो मेरी लाइफ का था ना, बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का, जब से मैंने ब्लॉगिंग चालू करी बेस्ट टाइम था। आई हैव बीन मोर हैप्पी, अपने को इमोशनल होने को हो रहा है बट अपन इमोशनल नहीं होगा। मजेदार तो थी ये जर्नी, बहुत मजेदार। 365 डेज खत्म होने वाले हैं कल, मतलब इन लोगों के लिए तो हो गए, हमारे लिए कल। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो मतलब इतने टाइम तक आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा और कितने मजे करे? बहुत मजे करे। ट्रिप की बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ व्लॉगिंग की। व्लॉग बनाना सीखा। हाँ बहुत सारी चीजें मिल गई है ना, ओला भी मिल गया, साइरस मिल गया, सैफरोवती मिल गई, ओलिव मिल गया सबसे ज्यादा प्यारा। आपको कैसा लग रहा है? सो हैप्पी। इतना नकली करते हैं यार ये लो। और तो बताओ, और कोई तारीफ तो करके जाओ, थोड़ा थोड़ा फुटेज दो रे, फुटेज दो थोड़ा। फुटेज ये है कि हमारे लड़के ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ही डेडिकेशन से पहली बार उसने कोई काम किया। ये मैंने ही बोला था। एंड आई एम सो ग्लैड बिकॉज दीज व्लॉग्स हैव ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन हिज लाइफ एंड वी गाइस आर रियली हैप्पी फॉर यू। अच्छा, वो रोहतांग पास वाली को छोड़ दिया। भाई साहब मैं बताता हूँ। नहीं, क्यों कट करूं? नहीं, रुको। हम अभी मनाली में, रोहतांग गए भी नहीं ना, रोहतांग के रास्ते पे हम मनाली से कोसो, मतलब रोहतांग से कोसो दूर है यार। रिजॉर्ट की फोटो डालते बोल रही रोहतांग पास स्टोरी में। भाई क्या सीन चल रहा है, ये बिलासपुर में ये मनाली पहुंच गई है, मनाली में रोहतांग पहुंच गई। रोहतांग पहुंचेंगे तो लेह लद्दाख पहुंच जाएगी। और सुनो लेह लद्दाख पहुंच जाएंगे तो भैया तो स्पेस की स्टोरी डायरेक्ट, मार्स, इलोन मस्क, हेलो। अरे वो ऐसे भी हो जाएगा गले ऐसे, अरे गले मिल लेंगे, चढ़ जाओ मोटो मेरे ऊपर चढ़ जाओ। 100 किलो डेडलिफ्ट मार ले, 100 किलो डेडलिफ्ट मार ले, रात में उठाऊंगा वो अलग बात है, मिट्टी में गिर गया था उसके बाद। अच्छा बोल रहा तुम तो यार, मतलब ब्लॉग खत्म नहीं हो रहा, हेलो चैलेंज खत्म हो रहा है।
इतनी तेज की नींद आ रही ना, मैं तीन बार सो गया बेड पर लेटे लेटे। एक बार तो फोन चलाते चलाते मैं टपक गया। ये रहा हमारा केक, इस पे लिखा हुआ है 365 डेज 365 व्लॉग्स कंप्लीटेड। ये जर्नी हमने स्टार्ट करी थी 30 जून 2021 को और 30 जून 2022 को ये 365 की जर्नी एंड होती है। This is the best thing once you have done in your life. This dedication we really appreciate. I really appreciate this this dedication. ये सबकी नहीं होती कि अगर 365 days का challenge दिया और 365 days पूरे हुए। Exactly. इससे एक भी दिन miss नहीं किया। Congratulations. Thank you. So proud of you for this. Very nice. Very nice. God bless you. Thank you. छाले पे लग गई हो। Sorry. And now I'm so confident. कि जो हमारा बेटा है ना वो जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। इतनी डेडिकेशन उसमें है। खाओ खाओ। जो इसने किया है ना आज कल लोग भी यही रैप अप करते। थैंक यू सो मच वाचिंग टुडेज़ व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। अगर बंद करे तो दिस वी बॉय के शाइनिंग ओवन एंड कल का लोग यहाँ से देख रहे हुए हैं कल चोरी टेक वाटिंग रहे लोग के साथ। गुड डे टू देवर ग्रेट वन। ये हो गई जर्नी पूरी। हाय मुंह अटक गया गुटके की तरह। Yeah.